स्वागत है आपका के चैनल केस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। हिमाचल में 2017 के चुनाव आते ही राजनीतिक चरम पर। केंद्रीय राजनीति में अनुराग ठाकुर ज्यादा सक्रिय आते हैं नजर। पर्यावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से लीगल एड सोसाइटी व वन विभाग गोहर ने किया पौधारोपण का आयोजन। मंडी के टाउन हॉल में जारी 4 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई संपन्न। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने विजेता प्रतिभागियों को बांटे इनाम। और उपायुक्त मंडी ने जल एवं स्वच्छता रथ को दी हरी झंडी। स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति आईपीएच करेगा जागरूक। बुधवार को मंडी के सेरी मल से जल एवं स्वच्छता रथ को उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आईपीएच डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कला जत्था के द्वारा लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा 17 अगस्त से 20 अगस्त तक स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा रहा है। आईपीएच अधिशासी अभियंता अरुण शर्मा ने बताया कि जल एवं स्वच्छता रथ के द्वारा जिला में लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह रथ जिला में विभिन्न जगहों द्रंग, पद्धर, जोगिंदरनगर, चौंतड़ा व लड़भड़ोल, उसके बाद धर्मपुर, सरकाघाट और रिवालसर से होते हुए जिला के सभी इलाकों से गुजरेगा और पंचायत प्रतिनिधियों को भी जागरूक किया जाएगा। अरुण शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे पानी का सदुपयोग करें और पानी को व्यर्थ न गवाएं, जल स्रोतों को साफ और स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ये 4 दिन का कैंपेन है, जिसमें ये स्वच्छता जल और स्वच्छता जो रथ है ये विभिन्न जगहों में जाएगा, और इसमें कला जत्था जो लोगों को जागरूक करेगा, और इसमें बैनर जो लगाए गए हैं वो बता रहे हैं कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव कैसे करना है, और पानी का स्वच्छता के प्रति क्या महत्व है, ये सब ये लोग इस 4 दिनों में विभिन्न विभिन्न जगहों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। ये रथ यहाँ से आज द्रंग, पद्धर, जोगिंदरनगर, चौंतड़ा होता हुआ लड़भड़ोल जाएगा, उसके बाद धर्मपुर, लौंगनी, सरकाघाट होता हुआ रिवालसर से चौथी के लिए मंडी में पहुँचेगा। ये प्रोग्राम जो है ये समय समय पर जांच करवाएंगे, लॉन्च किया जा रहा है, जिम्मेदारी निभाएंगे, हमने वाटर टेस्टिंग भी लगा रखी है, जो लोगों को वहाँ पे समझाएंगे कि इसको कैसे उपयोग में लाना है, और जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको भी जागरूक करेंगे कि कैसे। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज है, जल संरक्षण को लेकर लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? जल संरक्षण के लोगों को यही मैसेज है कि पेयजल जो है उसका उपयोग जो है, क्योंकि पानी की बूंद बूंद कीमती है, और आने वाले समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी पानी की आवश्यकता होगी, तो लोगों से यही अनुरोध है कि एक तो पानी को ढंग से उसका उपयोग करें, और पानी के आसपास जो भी स्रोत के आसपास वहाँ गंदगी ना फैलाएं, और जो भी उनके पीने के बर्तन हैं इवन घर में भी जो रखें उनको ढककर रखें, और स्वच्छ पानी पी के तभी वो स्वच्छ नागरिक बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। डीसी मंडी संदीप कदम ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला में 22 अगस्त से 5 सितंबर तक भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाएगा, और हर पंचायत और डिपार्टमेंट अपने स्तर पर इस अभियान को चलाएंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। उन्होंने शहर के धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से सहयोग की अपील की, ताकि इस सामाजिक समस्या को खत्म किया जा सके। हाँ, यह बताना चाहूँगा कि 22 अगस्त से 5 सितंबर तक एक भांग उखाड़ो अभियान पूरे जिले के हर एक पंचायत में चलाया जाएगा, और इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में जहाँ पे भी भांग है हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस भांग को उखाड़ें, और यह जो एक हमारी सामाजिक समस्या है उसको कम करने का एक मुहिम
इन दिनों में चलाई जाएगी। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, हर डिपार्टमेंट को अपने अपने स्तर पर इसमें कार्य करना होगा। जैसे कि PWD डिपार्टमेंट अपने सारे रास्तों के किनारे में जो भांग है, या IPS डिपार्टमेंट अपने स्ट्रक्चर्स के आसपास जो भांग है, ग्रामीण विभाग के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर सारे पंचायतों को इन्वॉल्व करके, सारे लोगों को, संस्थाओं को इन्वॉल्व करके, NGOs को इन्वॉल्व करके यह कार्य हम हर स्तर पर भांग उखाड़ो अभियान चलाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने अलग अलग संस्थाएँ हैं, जैसे रोटरी क्लब है, व्यापार मंडल है, कई सारे अधिकार मंच है, इन सारी संस्थाओं से मैं यह अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अभियान में अपनी सहभागिता दें, पार्टिसिपेशन दें और इसको यशस्वी करें। यहाँ यह बताना चाहूँगा कि 22 अगस्त से चैलचौक गोहर के बासा पंचायत के मनरेगा में कार्य कर रही महिलाओं ने सरकार का 180 से 200 रुपए दिहाड़ी करने पर धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के खुलने से गरीबों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है और सभी महिलाएं बड़ी लगन और ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। मैं ग्राम पंचायत बासा का स्थायी निवासी हूँ और मनरेगा के तहत काम पर लगे हुए हैं। मेरे साथ 30 आदमी मजदूरी कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं सरकार का ये जो 200 रुपये दिहाड़ी की इन्होंने आभार व्यक्त करता हूँ के लिए, और ये गरीबों के लिए सरकार का बहुत बड़ा तोहफा है। मंडी जिला पुलिस के लिए मंडी शहर में हुई चोरी की दो वारदातें इज्जत का सवाल बनी हुई थी और आखिरकार पुलिस ने अपनी इज्जत बचाते हुए चोरी की दोनों वारदातों को सुलझाते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं सुंदरनगर के पास धनोटू में हुई चोरी की एक अन्य वारदात की गुत्थी को भी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि शहर में सिटी चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बीती 14 जुलाई की रात को एक बैंक की शाखा में चोरी का प्रयास हुआ था। इसके बाद बैंक के पास एक ज्वेलरी की दुकान में बीते 28 जुलाई की रात को सेंधमारी हुई थी। यहां पर भी चोरों ने दुकान के पीछे वाली दीवार को तोड़ते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में सिटी चौकी इंचार्ज रामलाल ठाकुर ने बताया कि उनकी टीम ने टेक्निकल स्टाफ की सहायता से दो युवकों को हिरासत में लिया है और दोनों युवकों को अदालत में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। इसके साथ ही धनोटो की एक हार्डवेयर शॉप में हुई चोरी की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। इस मामले में सुंदरनगर के अंबेडकर निवासी अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। युवक से 30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं, जबकि 20,000 रुपए की रिकवरी भी होना बाकी है। ASP कुलभूषण वर्मा ने कहा कि चोरी की वारदात का मास्टरमाइंड भी जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा। पिछले 15 दिनों के अंदर मंडी शहर में दो चोरी के मामले आए थे, जिसमें एक ज्वेलर शॉप में चोरी का प्रयास किया गया था, जिसमें कुछ ज्वेलरी चोरी हुई थी। इसमें सिटी पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज दो मुजरिमों को अरेस्ट किया है, एक सुनाब क्षेत्र का रहने वाला, दूसरा बल क्षेत्र का रहने वाला। करीब 4 किलो चांदी की रिकवरी इसमें होना हो पाई है। मंडी जिला में इसके अलावा एक अन्य मामले में पुलिस स्टेशन PSL कॉलोनी में एक चोरी के मामले में भी आज एक रिकवरी हुई है। उसमें एक मुलजिम पुलिस के हिरासत में आया है, उससे दुकान से 30,000 की चोरी का मामला आया था और उसमें पूरा 30,000 का रिकवरी हो चुकी है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को भी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की इंदिरा मार्केट ब्रांच में भी चोरी का दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया था। इसमें भी इसी गैंग का शामिल होना पाया जा रहा है। दिलेराम इसमें जो मुख्य आरोपी है, इसने अपना गुनाह कबूल किया है। इसमें एक आध आदमी, एक दो व्यक्ति और भी हैं शामिल हैं, जिनको कुछ ही दिनों में पुलिस अपने हिरासत में। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए के चैनल के साथ।
नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी पीजीआई चंडीगढ़, एमडी डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक। गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज, जैसे फुलवेरी, दाग, मौके छाइयां, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे पीआरपी और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट, 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम लाइक शुगर, बीपी, दमा व अदरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर डीपी हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। चलने वाली भाजपा की तिरंगा यात्रा के तीसरे दिन जवाहर पार्क सुंदरनगर से यात्रा का आगाज किया गया। बुधवार को सुंदरनगर उपमंडल में भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष रागेश जम्वाल सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा पार्टी द्वारा चलाए जा रहे तिरंगा रैली अभियान के अंतर्गत जवाहर पार्क से इस रैली का शुभारम्भ किया गया, जिसमें सांसद रामस्वरूप शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय राणा सहित सुंदरगढ़ के पदाधिकारी भाग लिया। सभी लोगों ने अपनी अपनी बाइक व गाड़ियों पर झंडा लगाकर रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 70 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचे इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं के दौरान जहां लोगों को आजादी के परिवारों के बारे में बताया जाएगा, वहीं लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। यात्रा का तीसरा दिन है सुंदर विधानसभा क्षेत्र में और आज यात्रा पूरे समाज में देश का जो गौरवशाली इतिहास है और हमारे पूर्वजों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो अपने प्राण निछावर किए उनका स्मरण करते हुए पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा का ये तीसरा दिन आगे बढ़ा है और मोदी सरकार की 70 जनहित योजनाएं, इन 70वां स्वतंत्रता दिवस वो 70 जनहित योजनाओं को लेकर समाज में जाने का कार्यक्रम बनाया था और केवल तिरंगा झंडा लेकर सारे राजनीतिक वातावरण को पीछे छोड़कर ये यात्रा आगे बढ़ी है और आज मुझे विश्वास है कि सुंदरनगर में जहां हमारे जिला अध्यक्ष जी राकेश जम्वाल जी, उनके मंडल की पूरी कार्य समिति, हमारे प्रांत के जिला के नेता सारे मिलकर एक मतता से आज इस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे और सुंदरनगर की पूरी शहर की परिक्रमा करते हुए यात्रा संपन्न। 23 अगस्त को इन तिरंगा यात्राओं का समापन होगा। तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्कूटर मोटरसाइकिल पर पूरे नगर की परिक्रमा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में माननीय रामस्वरूप शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय रामस्वरूप शर्मा जी ने 15 अगस्त को ये यात्रा मंडी से शुरू की थी, मंडी से होती हुई नाचन विधानसभा क्षेत्र से होती हुई सुंदरनगर में आज ये यात्रा पहुंची है और इस यात्रा में हम जहां
अब जिन शहीदों ने, जिन सैनिकों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देते हो। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। पर्यावरण को बचाए रखने के उद्देश्य से वन विभाग व लीगल एड सोसाइटी चच्योट गोहर की ओर से एक संयुक्त पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण ग्राम पंचायत बासा के खेड़ नामक स्थान पर किया गया। पर्यावरण को बचाए रखने के उद्देश्य से वन विभाग व लीगल एड सोसाइटी चच्योट गोहर की ओर से एक संयुक्त पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक वत्सल द्वारा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी अशोक वत्सल ने जानकारी दी कि हमारे संविधान में जीने के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 51G में सभी नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों, नदी नालों का संरक्षण करें, ताकि हमारे जीने का अधिकार सुरक्षित रह सके। वहीं पौधारोपण पर DFO नाचन राहुल रोहणे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा इस तरह का विभागीय प्रयास पिछले 2 साल से चल रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य कॉलेज व स्कूल के बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करवाना है। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया है कि रोपित किए गए पौधों का 5 साल तक ठीक ढंग से रखरखाव करें। प्लांटेशन ड्राइव किया है ये HP लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में हमने यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव किया है। यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के पौधे लगाए हुए, कुछ दाड़ू, कुछ आंवला और आदि पौधे लगाए गए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे जो है बच्चों के, कॉलेज के बच्चों में और स्कूल के बच्चों में जो है अवेयरनेस फैले। पिछले 2 साल से हम करते आ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि बच्चे जो है इनकी अगले 5 साल तक इनका पूरा रखरखाव करेंगे और इनको मतलब जीवित रहने के लिए सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पौधारोपण के इस आयोजन में डिग्री कॉलेज बासा के प्राचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने बताया कि बच्चों को प्रकृति में प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया है और इसमें कॉलेज के बच्चों द्वारा विभिन्न किस्म के पौधे, जिनमें बान, रीठा, अनार, अखरोट व अन्य किस्म के लगभग 200 से अधिक पौधों का रोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम में वन विभाग के RO नाचन करमचंद, वन खंड अधिकारी लाल सिंह, वन खंड अधिकारी तोयद कांत सैनी, सुभाष चंद, सरन दास व ढमेश्वर दत्त सहित कई वन रक्षक भी शामिल हुए। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सौजन्य से और लीगल एड अथॉरिटी के सौजन्य से प्लांटेशन का प्रोग्राम यहाँ चलाया जा रहा है। गोहर उपमंडल में यहाँ पे विभिन्न किस्म के पौधे उनको प्लांट किया गया है और स्टूडेंट्स में एक किस्म की जागरूकता पैदा की गई है, जिससे उन्हें जो वर्ल्ड ऑफ फ्लोरा है उससे प्यार हो और सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनमें डेवलप की जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करीब 200 से ज़्यादा यहाँ पे पौधे प्लांट किए गए। तो मैं अपनी तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को धन्यवाद करता हूँ और छात्रों ने भारी संख्या में इसमें हिस्सा लिया है। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है।
आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।